नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आप लोगों को वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करता रहूँ। तो मैं आज इस वीडियो में CBSE में पूछे गए, आज जो CBSE का एग्जाम हुआ इंग्लिश का, उसमें पूछे गए इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, फुल एनालिटिक सॉल्यूशन, जिससे कि आप देख के बिल्कुल एज्योर हो सके, आपके मन में जो उत्सुकता होगी, जो होगा कि मेरा कितना आएगा नंबर, कितना मैंने ग्रामर में सही किया, बुक का तो आप कर लोगे बुक का देख के कि कौन सा आंसर किसका है कैसे है, पर ग्रामर पोर्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जैक्ट आंसर खोजना कि किस तरह से मैं आंसर खोजूँ इंटरनेट पर। तो मैं राहुल कुमार आप लोगों के लिए इस बार CBSE का भी फुल एनालिटिक सॉल्यूशन लाने वाला हूँ हर सेट्स का। जैसे एग्जाम होगा उसके शाम में, जिस दिन एग्जाम होगा उसके शाम में मैं अपलोड करूंगा क्वेश्चंस। तो आज मैं इस वीडियो में इंग्लिश का क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं, आप लोग इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करने जा रहा हूं, आप लोग उसे गौर से देखें और देख लें कि कितना क्वेश्चन का कितना आंसर आपका आ रहा है, और बिल्कुल अपना मन की जो उत्सुकता है उसको थोड़ा कम कर चले आइए। तो बोर्ड पर चलते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया गया। आइए तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले जंबल वर्ड्स यानी कि सेंटेंस रिअरेंजमेंट की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो है वर्क एंड प्ले थिंग्स डिफरेंट पेरेंट्स सी। ये देखिए मैंने पहले से भी करके ऑर्डरिंग रखा है बट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट से चालू करते हैं, तो यहाँ पे वन को मैंने सब्जेक्ट बनाया रखा है, पेरेंट्स सी माता पिता देखते हैं, पेरेंट्स सी वर्क एंड प्ले, पेरेंट्स जो है जो काम और खेल को कैसे देखते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। पेरेंट्स सी वर्क एंड प्ले एज टू डिफरेंट थिंग्स, पेरेंट्स सी वर्क, पेरेंट्स सी वर्क एंड प्ले एज टू डिफरेंट थिंग्स। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले मैं जंबल वर्ड्स ऐसे ही कर दूंगा क्योंकि सबका अलग अलग सेट्स आता है, तो पहले आप जंबल वर्ड्स मिला लो यानी सेंटेंस रिअरेंजमेंट, और उसके बाद मैं फिर फिलिंग बनाऊंगा, फिर इरर बनाऊंगा, उसी तरह से फिर मैं बनाता जाऊंगा। आप अपना सेट में, आपका कौन सा सेट में कैसे पूछा गया था उस हिसाब से आप मिला लोगे। तो फर्स्ट का जो हमारा राइट आंसर बन गया वो बन गया पेरेंट्स सी वर्क एंड प्ले एज टू डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ हमारा पूरा सेंटेंस रीअरेंज हो गया, पेरेंट्स सी पेरेंट्स सोचते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, वर्क एंड प्ले एज टू डिफरेंट थिंग्स। चलिए तो फर्स्ट हमारा हो गया, सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड है इज ए स्लैश ऑफ टाइम स्लैश दे स्लैश वेस्ट स्लैश थिंग्स स्लैश डेट प्लेइंग। तो इसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे चाहिए, तो दे थिंक वे लोग सोचते हैं, वे लोग सोचते हैं, दे थिंक वे लोग सोचते हैं, डेट प्लेइंग की खेलना, दे थिंक डैट वे लोग सोचते हैं कि प्लेइंग जो प्लेइंग है इज ए एक है वेस्ट ऑफ टाइम, कि वेस्टिंग ऑफ टाइम है हमारा खेलना, दे थिंक डैट प्लेइंग, दे थिंक डैट प्लेइंग इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि इसको पहले लगाना था दे को, फिर थिंक को, फिर डैट प्लेइंग इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो दूसरा का इस तरह से बनेगा दे थिंक डैट प्लेइंग इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड नंबर है वो है गेम्स आर, जो खेल हैं गेम्स आर एज इंपॉर्टेंट एज, गेम्स आर एज इंपॉर्टेंट एज स्टडीज, खेल भी अध्ययन के जैसा इंपॉर्टेंट है, गेम्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज स्टडीज। तो इसका ऐसे बनता है, ये वन में जाएगा, ये टू में, ये थ्री में, ये फोर में, ये फाइव में, पूरा तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा गेम्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज स्टडीज। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, यहाँ देखिए जो भी है सब्जेक्ट के रूप में हमारा ए स्टूडेंट सबसे अच्छा आ रहा है, तो ए स्टूडेंट शुड, एक विद्यार्थी को चाहिए, ए स्टूडेंट शुड पे, एक विद्यार्थी को चाहिए कि वो चुकाए, वो निभाए, ए स्टूडेंट शुड पे प्रॉपर अटेंशन, ए स्टूडेंट शुड पे प्रॉपर अटेंशन टू बोथ, एक स्टूडेंट को चाहिए अच्छे स्टूडेंट को कि वो
प्रॉपर अटेंशन दे पढ़ाई में भी और गेम्स में भी, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं अरेंज। ए स्टूडेंट फर्स्ट में, फिर शुड, फिर पे, फिर प्रॉपर, फिर अटेंशन, फिर टू बोथ। ए स्टूडेंट शुड पे प्रॉपर अटेंशन टू बोथ, तो हमारा ये बिल्कुल सही है चौथा। चलिए आइए पांचवा देखते हैं, जो हमारा फिफ्थ है वो इस तरह से है। ही सॉरी यहां से बनेगा वो ऑनली से, ऑनली देन, ओनली देन, केवल तभी एक स्टूडेंट अगर प्रॉपर स्टडीज मतलब करे, प्रॉपर रूप से अटेंशन दे गेम्स को और स्टडीज को दोनों को, ओनली देन तभी ही, तभी वह कैन, सकता है, सक्सीड, सफल। ओनली देन तभी ही कैन सक्सीड इन लाइफ। तो पहले ओनली यानी कि ओनली को एक में रखेंगे, दो में रखेंगे देन को, ओनली देन ही शुड सॉरी ओनली देन ही कैन सक्सीड इन लाइफ। चलिए तो सेंटेंस रिअरेंजमेंट यानी जंबल वर्ड्स खत्म हुआ, अब हम लोग फिलर की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा फिलर है मॉडर्न, द मॉडर्न स्टूडेंट। फिलर आपका कैसा है, किस नंबर पे है वो आप देख लेंगे, और मैं फिलर बताता हूँ आपको। द मॉडर्न स्टूडेंट आप देख लो यहाँ पे, ठीक तरह से आप देखें तो यहाँ पे ही स्पेंड्स, यहाँ पे ही स्पेंड्स यानी कि ये प्रेजेंट इनडिफिनिट में चल रहा है, तो आगे जितना भी टेंस आएगा सब प्रेजेंट इनडिफिनिट में आएगा। तो द मॉडर्न स्टूडेंट आधुनिक छात्र, अंडरस्टैंड्स समझते हैं, तो इसलिए मैंने अंडरस्टैंड्स मारा है क्योंकि आगे में ये स्पेंड्स है प्रेजेंट इनडिफिनिट, तो ये भी प्रेजेंट इनडिफिनिट में आएगा। द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ऑफ आएगा। द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ही स्पेंड्स वन और ही स्पेंड्स वन टू टू आवर्स, वो 1 से 2 घंटे स्पेंड करते हैं इन ओपन एयर, खुले हवा में, खुली हवा में, वेयर जहां ही टेक्स पार्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में भाग लेता है तो वहीं वो खुले हवा में 1 से 2 घंटे क्या करता है, अपना टाइम स्पेंड करता है। वेयर ही टेक्स पार्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, जहां वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। हाउएवर हालांकि केयर शुड, हालांकि जो केयर है जो देखभाल है, शुड चाहिए, बी टेकन। अब देखिए मैंने यहाँ पे बी टेकन क्यों दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए शुड है तो शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के पास 7 वर्ब का पहला रूप आना है, कन्फर्म है, तो वर्ब का, और अगर वर्ब का तीसरा रूप आएगा तो ये बी के साथ आएगा, तो सबसे पहले टुक तो लगेगा नहीं, टुक बी टू नहीं, क्लियर नहीं है। शुड के साथ टेक्स बी फाइव बिल्कुल नहीं आएगा, शुड के साथ हैज टेकन का बिल्कुल नहीं। तो मैंने अभी बताया कि शुड के बाद या तो वर्ब का पहला रूप आए आए या फिर बी के साथ वर्ब का तीसरा रूप। तो हाउ एवर केयर शुड बी टेकन नॉट टू ओवर स्ट्रेन द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे ए या एन बॉडी नहीं, द बॉडी सुटेबल है तो द बॉडी लगाया गया थर्ड। तो यहाँ पे जो फिलर है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो इरर्स दिया गया था, इरर और उसका करेक्शन, उसमें चलते हैं, उस पार्ट में आइए। यहाँ पे इरर है और उसका करेक्शन किया गया है। इन द प्रिजनर, इन द प्रिजनर्स रूम ए कैंडल इज, एक यहाँ बताया गया कि इज के बदले बाज होगा, देखिए पहले से ही इरर को करेक्ट करके दिया गया है। द प्रिजनर्स रूम्स रूम यानी कि जो कैदी का जो कमरा था, ए कैंडल इज का बाज कर दिया, वर्निंग डिमली धीरे से जल रहा था, ग्लो कर रहा था। फिर देखिए ए प्रिजनर दिया, जब शुरू में एक बार प्रिजनर आ चुका है तो यहाँ पे द प्रिजनर होगा, डेट मीन्स कि आर्टिकल में इरर है, ए का द होगा। चलिए ए प्रिजनर हिमसेल्फ सेट बाय द टेबल, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे ऑन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट यहाँ पे मुझे हिम लगा तो मैंने यहाँ पे हिम लगाया। ओके ए प्रिजनर का हो गया, द प्रिजनर सेट बाय द टेबल, बाय द टेबल का मतलब होता है टेबल पे अगर आप लद के भी बैठे हैं तो बाय द टेबल चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा टेबल पे बैठे, टेबल से लद के भी बैठ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हिम को इरर में दिया है। ऑनली हिम बैक नहीं, ऑनली हिज बैक, ओके ऑनली हिज बैक, हिम नहीं उसका पीठ, उसका पीछे का हिस्सा, हिज बैक, ओके तो मैंने यहाँ पे हिम का हिज किया है। बाय भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, बट बाय द टेबल उस कंडीशन में सही होगा जब वो टेबल के बगल में या टेबल पे लद के बैठ जाए, लेकिन हिम बैक थोड़ा सा
यहाँ पे पच नहीं रहा है मुझे, तो मैंने हिम का हैज हिज डाला है। ऑनली हिज बैक, केवल उसका पीठ, केवल उसका पीछे का हिस्सा। द हेयर बाय हिज हेड, द हेयर बाय हिज हेड नहीं, द हेयर ऑन हिज हेड, बाय का ऑन हुआ है, बाय यहाँ पे ऑन किया गया है। एंड हिज हैंड्स आर विजिबल टू आउटसाइड, विजिबल फ्रॉम नहीं, विजिबल टू। आप इंटरनेट पे भी सर्च करो, आपके साथ आपको दिखेगा कि विजिबल के साथ टू आता है, विजिबल के साथ इन आता है, लेकिन इन और टू दोनों आता है, बट फ्रॉम आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एंड हिज हैंड्स आर विजिबल टू आउटसाइड थ्रू एनी विंडो, नहीं थ्रू द विंडो, वहाँ खिड़कियाँ हैं तो वहाँ रूम है तो फिक्स है कि कोई विंडो होगी। एनी विंडो नहीं, एक विंडो किसी फिक्स विंडो से निकल रही होगी, तो एनी विंडो के बदले यहाँ पे द विंडो ज़्यादा सुटेबल है। ए विंडो भी आ सकता था बट मैंने द विंडो डाला। चलिए, ये तो यहाँ पे इरर भी कंप्लीट है। अब थोड़ा सा पैसेज वगैरह को भी गौर से देख लिया जाए, अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखें, थोड़ा आपको संतुष्टि मिलेगी कि चलो मेरा तो जो भी किया है मैंने बिल्कुल सही किया है। तो आइए अब हम लोग पैसेज की ओर चलते हैं। इसमें दो पैसेजेस हैं, दोनों पैसेजेस को मैं करता हूँ, और एक पैसेज में तो खैर ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, तो उसको भी चलिए पहले हम लोग देखते हैं। चलिए आइए पैसेज की ओर चलते हैं। ये पैसेज का जो हिस्सा है वो बताने लायक है, सो मैं इसे बता रहा हूँ। इसमें है ऑन पारा वन सिनोनिम ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नवीकरण, कोई नई चीज़ का विकास करना, कोई नया चीज़ करना। तो इसका इन्वेंशन होगा, इन्वेंशन डेट मीन्स खोज, कोई नई चीज़ करना ही। मोबाइल इंटरनेट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू ईमेल्स। मोबाइल इंटरनेट किसको ज़्यादा एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है? टेलीग्राम, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी नहीं, ईमेल्स को। ईमेल्स का हम एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं मोबाइल इंटरनेट के साधन से। चलिए, ग्रोन अप्स शुड एक्सेप्ट द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बाय यंग पीपुल। यंग पीपुल के द्वारा जो है, जो जो बड़े लोग हैं, जो एजेड हैं, जो प्राउड हैं, उनको चाहिए कि वो एक्सेप्ट करें द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बाय यंग पीपुल। चलिए, जो हमारा फोर्थ है तो इसका मैंने एक्सेप्ट किया है। अब मीनिंग ऑफ एडवर्स, एडवर्स कंडीशन डेट मीन्स एडवर्स कंडीशन, एडवर्स इफेक्ट डेट मीन्स निगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव नहीं होगा। अच्छा, मैं बताता हूँ कि इसमें मैंने ये क्यों किया है। रिजेक्ट का मतलब होता है ख़त्म करना, रिजेक्ट तो ख़त्म नहीं करना चाहिए ना, तो रिजेक्ट नहीं होगा। क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना, आलोचना भी नहीं करना चाहिए। मॉनिटर, मॉनिटर क्या करेंगे, वो तो बोलेंगे कि चलो भाई एक्सेप्ट करते हैं हम, तुम यूज़ करो, मॉनिटर बिल्कुल नहीं, तो मैंने एक्सेप्ट मारा है। इसमें क्यों है, इसमें तो एडवर्स मीन्स ऐसे भी निगेटिव क्लियर है, बट आइए मैं इसको कर देता हूँ पॉजिटिव नहीं। एडवर्स मीन्स पॉजिटिव नहीं, एडमिरेबल मीन्स भी ठीक ठीक ठाक होता है, अनगाइडेड नहीं, तो निगेटिव। एडवर्स मीन्स निगेटिव कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज जब आप पढ़ोगे तो आपको लास्ट में मिलेगा कि जो लोग प्रीपेड प्लान जिनको पसंद नहीं है वो लोग मंथली प्लान को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सो डैट यहाँ पे मंथली होगा। और बाकी जो ग्रामर पोर्शन में आपका पूछा है वो सारा का आंसर तो ऐसे ही बिल्कुल सामने से निकल के आ रहा है पैसेज से, आपने बिल्कुल बनाया होगा, बिल्कुल सही किया होगा उसको, मैं ये कामना भी करता हूँ। और एक चीज़ की जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फिर साइंस और मैथ वगैरह का मैं फुल सॉल्यूशन करूँगा, फुल सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन बताऊँगा उसमें मैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह से हमारा सपोर्ट करें। चलिए, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।